अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना आ चुका है, तो हम सब की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की प्यारी चिट्ठी का ब्लॉग हमारा रमज़ान स्पेशल है, तो इसका आगाज़ हम दरसे कुरान पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरसे कुरान पाक, रोज़े की कज़ा। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले, और इसकी ताकत रखने वाले फ़िदिये में एक मिस्कीन को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में सबकत कर ले वो इसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर काम रोज़े रखना ही है अगर तुम बाइल्म हो। सूरह बकरा आयत नंबर 184। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस हदीस। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ गज़वा करते थे, हम में से कोई रोज़ा रख लेता था और कोई नहीं रखता था। रोज़ादार रोज़ा ना रखने वालों पर और रोज़ा ना रखने वाले रोज़ादार पर कोई नाराज़ी का इजहार नहीं करता था। इनका ये ख्याल था कि जो शख्स सफ़र में रोज़ा रखने की ताकत रखता हो और वो रोज़ा रख ले तो ये अच्छा है, और जो कमज़ोरी महसूस करता हो और वो रोज़ा ना रखे तो ये इसके लिए अच्छा है। मसनद अहमद 3828। तो अब हम अपनी प्यार की चिट्ठी सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। तो पहली चिट्ठी ये बन पड़ेगी। मेरी चिट्ठी में नाम है यास्मीन अख्तर का, उन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम प्यारे अंकल एंड हेलो सिस्टर्स, आपने प्यार की चिट्ठी में मेरा नाम लिया था। मैं रीम हूँ, आपकी बेटी और सिस्टर्स की बहन। आपने बहुत प्यार से मेरा नाम लिया था, इसलिए मैंने बहुत दिल से आपके लिए एक सॉन्ग बनाया है। हुदा सिस्टर्स ऑफिशियल इन दिस यूट्यूब चैनल। आपको मिलेगी पांच परी जो है बहुत प्यारी, अल्लाह की सारी नेमतें हों इन पर अदा अदा उमदा बुशु एमन और हुदा। ला इलाहा इल्लल्लाह एंड अल्लाह का करम। प्यारे प्यारे बंदा कलाम, हस्बी रब्बी शाह मदीना, तूने कैसे हमें पाला महबूब खुदा। रबीउल अव्वल, शबे मेराज और रमज़ान, शबे बरात ईद और रमज़ान, हम दिनात शॉर्ट्स स्टोरीज व्लॉग कंपटीशन और हदीस। माशाल्लाह 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 भाई, बहुत ही खूबसूरत पोइट्री बनाई है बच्ची ने। क्या नाम है? यास्मीन अख्तर। नहीं, रीम। रीम यास्मीन अख्तर चैनल का नाम है और रीम प्यारी शहज़ादी का नाम है। भाई बहुत ही प्यारी आपने पोइट्री, तो हमारी बेटी रीम के लिए बहुत सारी तालियां। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई अब दूसरी चिट्ठी किसके पास है बेटा? जी मेरे पास है। तो मेरे पास जिनकी चिट्ठी है उनके चैनल का नाम है स्मार्ट वर्ल्ड ब्लॉग, और उनका नाम है विकारुद्दीन शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डियर हुदा सिस्टर्स एंड लवली फैमिली, लवली अंकल और मासूम आंटी और लवली हुदा सिस्टर्स, आप सब कैसे हो? प्यार की चिट्ठी सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, और अंकल जी आपका नाम और मेरे पापा का नाम बिल्कुल एक जैसा है। अंकल जी आप मेरे पापा के साथ दोस्ती करना चाहोगे? बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट प्यार की चिट्ठी में बताइएगा। जज़ाकल्ला। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सही सलामत रखे और दुनिया की तमाम भलाई अता फरमाए। अंकल आंटी की नेक हयात फरमाए, आमीन। और मेरे लिए भी दुआ फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटा जब मैं कैमरे पे आऊँगा तो इसका जवाब मैं दूंगा, अदा मुझे याद करवाना, ठीक है? जज़ाकल्लाह। जी हाँ, तो ये चिट्ठी अभी किसकी थी? अदा विकारुद्दीन भाई के लिए बहुत बहुत सारी तालियाँ। विकारुद्दीन, अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली के साथ हमेशा खुशोबाद रखे और दिनों दुनिया की सारी भलाइयाँ अता फरमाए, आमीन। और अब नेक्स्ट प्यार की चिट्ठी किसके पास है? मेरी चिट्ठी का नाम है तौफीक अली, उन्होंने लिखा है माशाल्लाह ब्यूटीफुल ब्लॉग। माशाल्लाह माशाल्लाह। होता क्या नाम बताया आपने? तौफीक अली। तौफीक अली भाई, तौफीक अली के लिए तो बहुत ज़्यादा तालियाँ बजाएँ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब नेक्स्ट चिट्ठी किसके पास है? मेरे पास एक और चिट्ठी है। अच्छा माशाल्लाह, चले आप देखें आपकी चिट्ठी में किसका नाम है। मेरी चिट्ठी में नाम है जीनत। माशाल्लाह माय फेवरेट हुदा सिस्टर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल सिस्टर्स, माय ड्रीम इज टू मीट विथ यू ऑल, माशाल्लाह। इनका नाम क्या है? जीनत। जीनत के लिए बहुत बहुत सारी तालियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब नेक्स्ट चिट्ठी किसके पास है?
अभी नेक्स्ट प्यार की चिट्ठी है हमारी प्यारी उम्दा के पास, तो उम्दा आपकी चिट्ठी में? मेरी चिट्ठी में नाम आया है शहाब अहमद का, उन्होंने लिखा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छा शहाब ने इनका चैनल का नाम क्या है? अच्छा चैनल बस, अच्छा शहाब, शहाब ने लिखा है माशाल्लाह, तो भाई शहाब के लिए बहुत सारी तालियां। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब नेक्स्ट चिट्ठी किसके पास है? मेरी चिट्ठी में नाम है उम्दा अतारिया का, वो कह रही हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए, आप जब भी मेरा नाम लेते हैं तो बहुत खुशी होती है, इतनी के बस क्या बताऊं, अल्फाजों से बयान नहीं कर सकती। आप सबको कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, आपके प्यार के आगे मेरे अल्फाज भी कम हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, दुनिया जहान की खुशियां अता फरमाए। हुदा सिस्टर्स के 700K होने पर मुबारक, इंशाल्लाह बहुत जल्द हुदा सिस्टर्स ऑफिशियल और फैमिली ऑफिशियल बुलंदियों पर होगा। आमीन सुम्मा आमीन। इनका नाम क्या है? अतारिया, उम्दा अतारिया मेरी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई उम्दा। इनका असल नाम कुछ और है ना, अपनी प्यारी चिट्ठी। हाँ तो क्या नाम था इनका? सबरिया ना। मेरे ख़्याल में उम्दा अतारिया आपके चैनल का नाम है और आपका नाम है सबरिया, तो भाई हमारी बेटी सबरिया के लिए बहुत सारी तालियां, इतनी प्यारी दुआएं देने के लिए जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह। और मिशा आपके पास? मेरे पास लिए। अच्छा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और मेरे शहजादों और शहजादियों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। रमज़ान मुबारक का पांचवा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह रख लिया है, अल्लाह पाक हम सब पर अपना खुसूस रहम करम और फजल अता फरमाए। तो ये एक विकारुद्दीन शेख, माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा मेरा बेटा है, और इसने लिखा है कि पापा जानी जो आपका नाम है ना, मेरा नाम है सैयद राशिद हुसैन, तो इन्होंने कहा है कि मेरे पापा का भी सेम यही नाम है, और बड़े प्यार से विकारुद्दीन ने कहा है कि आप मेरे पापा से दोस्ती करना पसंद करेंगे। तो बेटा ये कैसी आपने बात की, दोस्ती तो इतना खूबसूरत रिश्ता है, मुझसे कोई दोस्ती करने की ख्वाहिश करें तो मैं तो हवाओं में जो ना उड़ने लग जाऊंगा माशाल्लाह। तो भाई विकारुद्दीन आपके जो प्यारे अब्बू जान हैं वो मेरे भाई हैं, तो वो आज से मेरे जो है ना बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, और आज से हमारी दोस्ती पक्की है। ये देखें मेरा हाथ है और ये आपका हाथ है, ये हमने जो है ना दोस्ती हमारी पक्की हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने अब्बू की मेरे साथ दोस्ती करवा दी, बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकअल्लाह भाई विकारुद्दीन के लिए भरपूर काबिल। जी तो ये एनवलप है हमारे जो ज़कात या सदका के लिए जो है ये हमने एनवलप रखा है रमज़ान मुबारक में, आप सबकी तरफ से और हम सबकी तरफ से अल्लाह पाक हमारे इस तोहफे को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, जो कि हमारे ज़रूरतमंद हमारे प्यारे भाइयों के लिए है, जज़ाकअल्लाह। तो ये लिफाफा हमने यहाँ रख दिया, अब हम लोग अपनी पर्चियाँ जो है ना फोल्ड करते हैं। चलेंगे सब बच्चे फोल्ड कर लो, ये आपकी है, ये आपकी है, और एक दो तीन चार पाँच है जी, ये सिक्स हमारी जो पर्चियां हैं इनको साइड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सिक्स जो है पर्चियां हैं, प्यार की चिट्ठियां हैं, लेटर्स हैं, लव लेटर्स हैं, तो अब इसमें से एक जो है ना उमदा या कोई भी ना एक उठा दें, एक निकाल दें, शान या शान आप ऐसे करें इनमें से एक जो है ना कोई भी आप इसके अंदर से अपनी पसंद का एक निकाल दें बीच में से। तो भाई इसमें नाम है माशाल्लाह 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 इसमें नाम है विकारुद्दीन शेख माशाल्लाह। तो आप विकारुद्दीन देखिए आपने जो ना अपने पापा से हमारी दोस्ती करवाई और अल्लाह पाक ने आपको आज के सेगमेंट का विनर करार दिया है, और अपने अब्बू से कहना खसूसी तौर पे कि एक बार वो दुरूद इब्राहिम पढ़ें, एक बार मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ूंगा,
और फिर हम लोग कह देंगे कि हम लोग अपनी दोस्ती को अल्लाह पाक के हवाले कर देंगे कि अल्लाह पाक हमारी इस दोस्ती को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। और फिर इंशाल्लाह ताला हम जब भी एक कदम भी एक दूसरे के लिए बढ़ाएंगे ना, तो उस पर जो ना अल्लाह पाक नेकियाँ लिखेगा। तो बहुत शुक्रिया। तो भाई अब विकारुद्दीन के लिए हम हार्ट पे लिखेंगे। ये विकारुद्दीन बेटा, ये आपके लिए हार्ट है। हार्ट पे हम लिखेंगे विकारुद्दीन। बहुत सारी तालियां, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। विकारुद्दीन को भी मेरे बेटे को बहुत मुबारक हो, और इनके जो पप्पा हैं सैयद राशिद हुसैन मेरे हमनाम, उनको भी मेरा प्यार भरा सलाम और बहुत बहुत उनके लिए भी तालियां। दुआओं में याद रखिएगा। तो गाइस रमज़ान स्पेशल में हमने कहा था कि जो प्यार एंड में हमने एक चिट्ठी बनाई होती है कि जिसके अंदर हम बहुत सारे नाम लेते हैं, तो इस बार हम जो ना दुरूद पाक पढ़ के जिसको भी जो भी नाम याद है ना हम सब में से वो सब नाम लेंगे। तो 11 बार पढ़ेंगे जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम महुआ अलहू, 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 जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम महुआ अलहू। भाई अब प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अब नामों का सिलसिला शुरू है। दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब उसके बाद हम अपने प्यारों का नाम लेंगे। तो मिशा आप जो ना पहले नाम, किसका नाम आपको याद? मुझे तो भाई एक नाम याद है, रबीउल हसन। रबीउल हसन, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा नेहा शेख। माशाल्लाह, रबीउल हसन और नेहा शेख। और खुदा आप? तौफीक। तौफीक अली, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपकी चिट्ठी में था ना तौफीक अली का नाम। और खुदा आप अदाब? मैं नाम लूंगी अफीफा मिदर। अफीफा मिदर। और इसके अलावा? और अरीशा मेमन। अरीशा मेमन। और एमडी मारू। एमडी मारू, अच्छा। और बुशरा? फातिमा राशिद। फातिमा राशिद। और बुशरा? और एमन, आप बेटा? आफरीन कमोरा, उनके बेटे मोहम्मद। नहीं, आफरीन कमोरा जो बेटी है ना मेरी, उनके बेटे का नाम मोहम्मद नहीं है, उनका नाम है अजहान। अजहान और मोहम्मद एक और है माशाल्लाह। अच्छा, वो अच्छा। और इसके अलावा रबीउल हसन जी, विकारुद्दीन जी। अच्छा अब मेरी बारी है। तो भाई देखते हैं मुझे कितने नाम याद है। नेहा शेख मेरी बेटी, आफरीन कमोरा, सबरिया, एमडी मारू, एमडी नियाज मेरा प्यारा बेटा, और विकारुद्दीन, फातिमा, इब्राहिम बदीन, और अफीफा, और उम्मे हानिया, कुलसूम, और मिदत। मेरे ख्याल में इतने नाम काफ़ी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सबके लिए मेरे बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा तालियां। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे था, यहीं तक था, क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। बातें तो इतनी ज़्यादा हैं कि आपके साथ करते जाएं और टाइम का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे हैं। तो आपने अदा की कमी महसूस की, आज अदा की कोचिंग से छुट्टी, तो जो अदा जो ना हमारे साथ है, सबके साथ है। और अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अंकल व्लॉग नहीं लेकर आ रही, तो ये ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि देखें, रमज़ान मुबारक 11 महीने के बाद हमें नसीब होता है, तो हम कोशिश हमारी ये है कि